यहाँ पे नीचे छोटा सा गार्डन है, ऊपर से सनलाइट आती होगी, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ये सीढ़ियाँ भी लकड़ी की हैं। जो मोनेस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और अब से जब से अब तक जो है चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है और अभी तक वर्किंग में है ये। नहीं, 996 AD में इसका स्थापित हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो मैन इसको स्थापित करने वाले जो मैन फाउंडर हैं, हाँ जी, उनका नाम है रिंचे झांगपो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज है डे 5 हमारी लद्दाख और स्पीति राइड का, और इस टाइम पे हम हैं मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री के अंदर कौन सा एरिया ये क्या बोलते हैं? ताबू। नहीं नहीं ताबू में तो है, लेकिन ये जहाँ पे हम रुके हैं मोनेस्ट्री के अंदर डोर मैट्री करके कुछ है, जैसे कि मैंने आपको रात में बताया था। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास हो रहे होंगे, जहाँ तक है 7 बजे या फिर 9 बजे तक जो है मोनेस्ट्री खुल जाती है। हम उसी का वेट कर रहे हैं ताकि मैं आपको मोनेस्ट्री के बारे में बता सकूँ, वहाँ पर आपको दिखा सकूँ, ठीक है? तो बाकी आप रूम देखो कि हमें रूम कैसा मिला है। ये देखो, ये रहे अपने दोनों भाई लोग, और ये सारा जो है सामान फैला हुआ है, ये अपना खाने पीने का जो भी है। ये इस तरह का कुछ रूम था, डबल बेड। अरे हाय भैया, इस बंदे ने सच में पाद मार के पूरा सच में सड़ा दिया। आवाज पहुंची होगी? हाँ पहुंची है, कैमरे में पहुंची है। इनकी देखा देख इनको भी पाद शुरू हो गए, इनकी देखा देख मुझे भी पाद शुरू हो गए। मतलब इनका असर जो है, एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। कुल मिला के बस ये है कि सारे पदेड़ू होते आ रहे हैं। हाँ, यहाँ से देखो अपने सूर्यदेव, जय हो सूर्यदेव। और यहाँ से ये देखो सेब के पेड़, पूरी सेब की खेती हो रही है भाई, तोड़ तोड़ के खा लो, यहाँ पे इतने सेब लगे हुए हैं। जो डोर मैट्री है वो कुछ इस तरीके से है जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, और यहाँ से भी मैं दिखाता हूँ, पूरी लकड़ी का बना हुआ है, मैक्सिमम जो है लकड़ी का बना हुआ है। ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा है, यहाँ से पूरा जो है लकड़ी है, और ये छोटा सा पुल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और कुछ ऐसा है यहाँ पे नीचे छोटा सा गार्डन है, ऊपर से सनलाइट आती होगी, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ये सीढ़ियाँ भी लकड़ी की हैं। देख सकते हो आप, इधर किचन है, और इधर आपका क्या कहते हैं, ये डाइनिंग है। डाइनिंग एरिया मतलब खा पी सकते हैं जो भी है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा लकड़ियों का बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ सामने हमारी बाइक्स पार्क है। बाकी रात को मैंने इसका ये जो है ना, ये जोड़ दिया था, ये जोड़ दिया था, ये ना इसका ये बस ये लाना है, ये लगा के ऊपर करके और जोड़ दूंगा मैं। कुछ ऐसा एरिया है यहाँ का, आप देख सकते हो खूबसूरत। और हवा जो है ना बहुत ठंडी चल रही है, जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा है यहाँ का। और यहाँ देख सकते हो, ये है शायद मोनेस्ट्री, ये है या ये है, ये रही ताबो मोनेस्ट्री, मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, आपको भी अगर यहाँ पे लेना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको 150 रुपये पर बेड का हिसाब से मिल जाएगा, 150 रुपये एक बंदे का, मतलब एक बेड का। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप रह सकते हो, साफ़ सुथरी। और यहाँ पे कुछ ऐसा है, और इनको हम चला देते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ताबो मोनेस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ताबो मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड द विलेज ऑफ ताबो ऑफ स्पीति डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति एट 3 to 8 meters एटीट्यूड नियर द ताबो बॉर्डर जस्ट नॉर्थ ऑफ सतलुज रिवर। 996 AD में जो है इसको फाउंड किया गया था बाय द किंग ऑफ GUGE किंगडम ऑफ वेस्टर्न। मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो देख लेना दोस्तों आप, यहाँ पे पूरी इसकी हिस्ट्री है। जो मोनेस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और अब से जब से अब तक जो है चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है और अभी तक वर्किंग में है ये इंडिया के अंदर। तो ये इसकी खास बात है, काफ़ी पुरानी है। बाकी अंदर जो है कैमरा अलाउ तो नहीं है,
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी सुंदर है अंदर से, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शांति है। मैंने अंदर जाके कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं की, सिर्फ जो है वीडियो वगैरह बनाई और कुछ नहीं बनाया। बाकी यहाँ पे सारे मॉन्क्स बैठे हुए हैं और अपनी जो भी प्रार्थना है, प्रेयर्स हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। बाकी यहाँ पे ये आने की जगह है, एक बार आइए आप, देखिए, घूमिए। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह है। सेब की भी खेती होती है, सेब ही सेब लगे हुए हैं, सेब की कोई कमी नहीं, हरे वाले, रेड वाले। ये वाली जो है ये पुरानी है और ये शायद नई है मेरे हिसाब से, जो अभी बनी है, जो अभी कुछ टाइम में बनी है। तो उन्होंने बताया था कि ये नई मॉनेस्ट्री है। तो बस ये था इस मोनेस्ट्री के बारे में, आप लोगों ने देखा। और अंदर बहुत ज़्यादा शांति और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ना सजाया हुआ था, जो भी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी बौद्ध भगवान की और जो भी लगा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ था। इसमें नहीं नहीं 996 AD में इसका स्थापित हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो मैन इसको स्थापित करने वाले जो मैन फाउंडर हैं, हाँ जी, उनका नाम है रिंचिंग जांपो। रिंचिंग द ग्रेट ट्रांसलेटर, ओके, जो कि उस समय बहुत मैनी टेक्स्ट ही ट्रांसलेट, अच्छा, टू संस्कृत, टू टिबेटन। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो है पूरे हिमालय रेंज में 108 टेंपल का स्थापित किया, निर्माण किया है। हाँ जी। तो इसमें जो है ये सारा जो है ना, ये जो है ये उस समय में सारा वेस्टर्न टिबेट का पार्ट था, ये सारा वेस्टर्न टिबेट का पार्ट में था। तो जो वेस्टर्न टिबेट के जो राजा थे, लालम ईशिवेद, द किंग ऑफ वेस्टर्न टिबेट, उन्होंने उनके कहने पे, जो उनके ट्रांसलेटर थे रिंचेन जांपो जिन्होंने बनाया ना, हाँ जी, उनके कहने पे सा इन्होंने सारा जो टेम्पल्स है स्थापित किया। अच्छा। तो ये टिबेट से होते हुए थुलिंग मोनेस्ट्री टिबेट में है, और जो जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री कहेंगे ना, टेम्पल, जो एक कम्प्लीट जो मंडाला है अंदर, तो ये ताबो में है। ये सबसे पुरानी भी है शायद, जो वर्किंग अभी पुराना है इस हिमालयन इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और इसी के जो ब्रांच, आप ब्रांच कह सकते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड जो टेम्पल बना हुआ ना जी, लद्दाख में है, लद्दाख में अलची में है, अलची में। और इसमें जो पेंटिंग्स है ना, हाँ जी, जो मुराल्स हैं, हाँ, वो सारे जो है जो यहाँ पे ताबो का है, हाँ, और लद्दाख में जो है, हाँ, सिमिलर है पेंटिंग, सेम है, क्योंकि जो आर्टिस्ट थे ना सेम आर्टिस्ट थे, सेम जिन्होंने ये बनाया उन्होंने भी वो ही, हाँ, सेम। सो द आर्टिस्ट कम फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर, ओके। तो उस समय ये सारे जो है पार्ट जो है ये सारे एक वो थे, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, जैसे जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक, उसी तरह यहाँ पे जो है पढ़ाई के लिए आते थे यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, जो यहाँ के मॉन्क्स थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने ये हिस्ट्री बताई है इसके बारे में। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो अभी जर्नी की जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।